सो गाइस, मेरा नाम है दीपक और वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे गांव के बारे में जो कि एशिया का सबसे साफ सुथरा और क्लीन गांव है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह गांव भारत में ही है और यह गांव मेघालय राज्य के शिलोंग राजधानी से 80 किलोमीटर दूर यह गाँव है और इस गाँव का नाम है मोलिनोंग। तो आप सोच रहे होंगे कि मोलिनोंग एशिया का सबसे साफ सुथरा और क्लीन गाँव कैसे बना, तो मैं आपको बता दूँ कि इस गाँव को साफ सुथरा होने में इस गाँव वालों का हाथ है। इस गांव में 5 साल के बच्चों को ही शिक्षा दी जाती है कि गांव की साफ सफाई कैसे करनी है और हम अपने आसपास के घरों को भी और आसपास के जगह को भी कैसे साफ सुथरा रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस गांव में खसी समुदाय के महज 500 लोग रहते हैं और इस गांव के लोगों ने चौक चौराहे और रास्तों को फूलों और पेड़ों से सजा रखा है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और यह गाँव को बहुत ही सुंदर बनाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस गांव के 99% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि इस गांव की जो लिटरेसी रेट है वो 99% है। मोलिनोंग गांव में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है और यहां प्लास्टिक ले जाना और प्लास्टिक से बनी चीज़ों को यूज करना सख्त मना है। इस गांव के लोग मार्केट जाने के लिए और मार्केट से चीज़ों को लाने के लिए कपड़ों से बनी थैली का यूज़ करते हैं। आप इस मोलिनोंग गांव के किसी भी चौक चौराहे पर चले जाए, आपको बांस के पेड़ों से बने डस्टबिन देखने को मिलेंगे जो कि गाँव को और भी सुंदर बनाते हैं। इस मोलिनोंग गांव के लोग लिक्विड गार्बेज और ड्राई गार्बेज को सेपरेट करके रखते हैं और उन गार्बेज को जमीन में दफना देते हैं और उनसे खाद बनाकर उसे यूज़ करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस गांव के हर एक घर में शौचालय की सुविधाएं 2007 से ही मौजूद है, तो इस गांव के लोग बाहर में शौच करने के लिए नहीं जाते हैं। यह मोलिनोंग गांव सुर्खियों में तब आया जब इसके ऊपर डिस्कवरी इंडिया ने एक ब्लॉग बनाया और इस गांव में सड़कें तक नहीं थी। जब डिस्कवरी इंडिया ने इसके ऊपर ब्लॉग बनाया तो इस गांव में सड़कें भी बनना शुरू हो गई और यहां पे टूरिस्ट भी विजिट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जाते हैं। सो आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में ऐसी वीडियोज़ लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय।